जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बीजेपी नेता कृष्ण सागर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण सागर जी, ये एक बड़ी खबर जो कि हैदराबाद से आई थी डॉक्टर दिशा की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, वहीं से एक और खबर आई है कि चारों दरिंदे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं, सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा हमको मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है। देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट जब निकलेगा और मीडिया कॉन्फ्रेंस होगा तो इसका डिटेल्स पूरा निकलेंगे। और बीइंग अ नेशनल पार्टी एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन तेलंगाना स्टेट, हम उसका इंतजार करेंगे बिफोर वी मेक एनी रिएक्टिव स्टेटमेंट। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल, जाहिर सी बात है सवाल भी उठेंगे कि ये एनकाउंटर वाकई ये मुठभेड़ था जिसमें पुलिस ने मार गिराया था या फिर कुछ और, क्योंकि ये निहत्थे थे जो आरोपी थे। देखिए, अभी जैसा मैंने बोला था, ये इनिशियल रिपोर्ट्स है, हमको मालूम नहीं है कि सुबह क्या हुआ है, इंसिडेंट कैसा हुआ है, पुलिस और इन लोगों के बीच में क्या हुआ है। सो वी कैनॉट प्रिज्यूम एनीथिंग एंड वी कैनॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। सो अनलेस वी हैव पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट, हम समझते हैं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद डीजीपी ऑफ तेलंगाना स्टेट। बिल्कुल शुक्रिया आपका। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये बड़ी खबर सामने आई है, इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो तमाम जो चार आरोपी थे वो पुलिस रिमांड पर थे। और जो एक प्रक्रिया होती है कि जब पूरा जो क्राइम सीन है, चूंकि पुलिस को चार्जशीट दाखिल करना होता है, लिहाजा जो क्राइम सीन है वहां पर जाकर चारों अक्यूज को आज सुबह जो है वो क्राइम सीन पर पुलिस लेकर गई थी चारों अक्यूज को। और उसी दौरान जो चारों अक्यूज थे वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे हैं, पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, उसी दौरान पुलिस की गोली से चारों को गोली लगी है और एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद चारों अक्यूज मारे गए हैं। ऐसी अभी हमें अपने सोर्सेज के जरिए ये जानकारी मिली है। जो 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 डॉक्टर लेडी थी जिसके साथ गैंगरेप और हत्या की वारदात उसकी जिस जगह पर उसकी बॉडी मिली थी वहां पर पुलिस की टीम लेकर गई थी ताकि जो पूरा क्राइम सीन है उसको समझा जा सके, उसको रिक्रिएट किया जा सके। और इसलिए जो पुलिस है वो वहां पर लेकर गई थी और क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी, उसी दौरान जो ये तमाम आरोपी थे वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे और पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उसी दौरान ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें जो हमें जानकारी मिली है कि चारों जो आरोपी थे उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई है। और जो हैदराबाद पुलिस है वो कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर ब्रीफिंग भी करेगी। श्वेता, बिल्कुल अरविंद, आपने इस तरह की स्टोरीज काफी कवर की है इसलिए आप बेहतर तरीके से समझते होंगे इस पूरी प्रक्रिया को, जो कि पुलिस कस्टडी में ये चार आरोपी थे। ऐसे में आगे की क्या ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है, क्या इसी तरीके से इन्हें ले जाया जाता है और क्या हर केस में सीन रिक्रिएट किया जाता है आरोपियों को ले जाकर घटनास्थल पर? जी बिल्कुल, जो जो केसेस खासकर जो हाई प्रोफाइल और वैसे भी जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो पूरा क्राइम सीन है और इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक की बात की जा रही थी, इसलिए पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी क्राइम जो एविडेंस है वो जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसको कलेक्ट करना ताकि जो आरोपी है उनको जो आखिरी सजा होती है, जो बड़ी सजा होती है वहां तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सबूतों की बहुत जरूरत होती है और शायद यही वजह है कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो आरोपी होते हैं, बकायदा उनको क्राइम सीन पर ले जाया जाता है, मौका वारदात पर ले जाया जाता है और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आखिर पुलिस ये समझना चाहती है कि किस तरीके से इस पूरे जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। शायद यही वजह है कि जो तमाम जो आरोपी है वो पुलिस रिमांड पर है और उनसे तमाम पूछताछ की जा रही थी, पूछताछ में उन्होंने कबूल भी किया था कि इस जगन पूरी वारदात को किस तरह से आरोपियों ने अंजाम दिया था। और शायद यही वजह कि आज क्राइम सीन को और खासकर उसी टाइम पर जिस टाइम पर वारदात को। बिल्कुल अरविंद, और जानकारी आपसे लेते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।